हरिओम राठौर जी यहाँ पर हरिओम बोल रहे हैं और देखिए सारी कैसे आ रही हैं। हरिओम, मैंने राफ्टिंग तो बहुत बार की है, देखो आज पहली बार मैं ये पैडल वाली बोट में बैठी हूँ जिसमें हमें पैडलिंग करनी पड़ेगी। एडवेंचरस। जर्नी का दूसरा दिन है, हमें पहुंचना है जोधपुर। बहुत लंबा होने वाला है रास्ता, इसीलिए सुबह 5:30 बजे हम चलती है और अभी जयपुर हाईवे पर ही हमें एक बहुत अच्छा सा होटल यहाँ दिख रहा है, पूरा अच्छा सेटअप है, तो यहाँ पर हम फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देखिए जर्नी बेशक हमारी लंबी रही लेकिन इस तरह के नज़ारे देखकर हमारी थकान बिल्कुल दूर हो गई है। यहाँ पर बोटिंग के ऑप्शंस भी हैं। ये कायलाना लेक वाला एरिया है और जोधपुर में आज जहाँ हम रहने वाले हैं, जनरली हम लोग होटल्स और रिजॉर्ट्स में तो बहुत बार रह चुके हैं लेकिन आज एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आज हम एक पैलेस में रहने वाले हैं। रास्ते में हमने इतनी सारी लेक्स और टेंपल्स देखे हैं और हमारी डेस्टिनेशन भी आ गई है। खम्बागनी, खम्बागनी। थैंक यू। वाओ, थैंक यू। सेटअप बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल फील आ रहा है कि हम राजस्थान आ गए। ये है हमारा रूम, शानदार। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल पैलेस जैसा। इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से ये कर्टेन्स और ये रनर्स, कुशन कवर, कुशंस, जिस तरह से पूरा इंटीरियर इन्होंने दिया है कलरफुल, तो वो राजस्थान वाला पूरा वो लुक, हेरिटेज वाला आ रहा है। एंड वेलकम टू बिजलॉय पैलेस। तो बेसिकली इस पूरे पैलेस के पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी तो हम आपको बताएंगे ही। पूरा शो राउंड ये करवाते हैं जब गेस्ट आते हैं। तो देखिए हमने भी खिड़कियाँ खोल दी हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू और साथ में जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हमें भी बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रही है। हालाँकि इस बार टेम्परेचर क्योंकि सभी जगह का बहुत जल्दी बढ़ गया है और फरवरी का मंथ है, लग ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्लेजेंट लग रहा है। और यहाँ पर आ जाता है वॉशरूम, लेकिन वॉशरूम से पहले हमें यहाँ पर बहुत बड़ा आपको वार्डरोब मिल जाता है, अपना बहुत सारा सामान आप यहाँ रख सकते हैं और वॉशरूम भी अच्छा खासा स्पेस है वॉशरूम में, नीट एंड क्लीन विद एमिनिटीज़।
शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो जनरली जिस तरह से बड़े होटल्स में पूरा हाई टी सेटअप होता है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी यहाँ पर इस समय ये सीज़न टाइम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मिक्स पकोड़े चाय के साथ, वाह, चाय के साथ पकोड़े का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट होता है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, लेक के सामने अगर आपको रहने के लिए मिले तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ये, और ये एक्सपीरियंस आज हम लेने वाले हैं। मिस्टर राठौर है हमारे साथ यहाँ पर, जो हमें सबसे पहले, हम बड़े क्यूरियस हैं यहाँ की हिस्ट्री जानने के लिए, तो मिस्टर राठौर आप प्लीज़ इस पैलेस के बारे में क्या हिस्ट्री है इसकी वो हमें बताएं। जी जी हाँ, ये पैलेस महाराजा तखत सिंह जी ने बनाया था 1859 में, और ये जोधपुर का सबसे ओल्डेस्ट पैलेसेस में आता है। ये महाराजा तखत सिंह जी ने बनाया था अपना समर रेजिडेंस, तो आके समर में यहाँ पे रुकते थे। ये लेक भी उस टाइम थोड़ी बहुत बनी हुई थी, और अभी जो इस होटल का जो भी इनकम वगैरह है वो इस JBF को ही जाता है, और JBF यूज़ करता है गाँव में वाटर रिसोर्सेज बनाने में। ये लग्जरी टेंट है हमारे जी, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस आपको जोधपुर में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस एक बिजोलई पैलेस ही है। जैसलमेर में ये डेजर्ट्स में होते हैं, राइट मैम, डेजर्ट में होते हैं, बट उनमें ये सारी एमिनिटीज नहीं होती जो हम एमिनिटीज इस इन कैंप्स में हम दे रहे हैं आपको। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह की फैसिलिटीज यहां पर मिल रही है। डकीज बहुत शोर मचा रहे हैं ये, क्योंकि इनका फीड का टाइम हो गया है, अभी हम इनको फीड भी कराएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सूरज की किरणें बिल्कुल झील में आपको दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि ये इसके नीचे, झील के नीचे कुछ इस तरह से वाटर प्यूरीफायर सिस्टम पूरा बनाया गया है कि ये झील का पानी ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है। और देखिए यहाँ पर आप झील के सामने इन कैंप्स में रह भी सकते हैं, प्रॉपर बाहर आपको सेटिंग मिल गई यहाँ। आई विश अगर ये सेटिंग इस तरफ होती तो और अच्छा लगता। वाओ, दिस इज एक्चुअली लग्जरी, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, ये मुझे रूम से ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको पूरा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, टीवी, एसी, और बहुत सुंदर बेडिंग इन्होंने की हुई है, लगेज के लिए प्रॉपर जगह है यहाँ पर, एंड अटैच वॉशरूम। और बहुत स्पेशियस है, देखिए प्रॉपर यहाँ पर आपको शार दिया गया है, और देखिए टॉल्स के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर स्टैंड है, लाइट बहुत अच्छी लग रही है, प्रॉपर वॉश बेसिन विद मिरर। देन JBF ने इस प्रॉपर्टी को वापस रिनोवेट करवा के इसको गेस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए ओपन किया एज ए होटल हेरिटेज, एज ए हेरिटेज प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है इनटेक बाय इनटेक। ओके, और ये जो लेक है यही वाटर हम यूज़ करते हैं यहाँ के, अब ड्रिंकिंग वाटर और जो भी आप बोल सकते हैं, इतने बड़े गार्डन्स वगैरह हैं, जो भी आप देख रहे हैं हम यही सब यूज़ करते हैं, किसी तरह से रिसाइकल करके, प्यूरीफाई करके, तो आप उसको इसको प्यूरीफाई करके यहाँ पे लेते हैं। जी मैम, जैसा कि अभी राठौर जी ने बताया कि किस तरह से पानी को पीने के लायक बनाने के लिए बहुत सारे इस तरह के लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि एकदम से आप पानी नहीं पी सकते हैं, तो उसको पूरा प्योरीफायर जिस तरह से किया जाता है, नीचे यहाँ पर लाइंस हैं पूरी, पूरा यहाँ से फिल्टर होते हुए, नेचुरल फिल्टर्स आप कह सकते हैं उन्हें, यूज़ होते हुए एंड में आप ये कुआँ देखेंगे, अभी हम कुएँ में पानी देखेंगे, वो पानी आपका पीने के लायक बन जाता है वहाँ तक पहुँचते, और उसी पानी को ये यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। जनरली हम रिजॉर्ट्स में देखते हैं लोग लैंडस्केपिंग करते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये एक पैलेस है, जो इतने बड़े बड़े ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये कुछ दिनों में नहीं होते हैं, ये बहुत पुराने पेड़ हैं, तो ये नेचुरल लैंडस्केपिंग है। अभी हमें पता चला है, मिस्टर राठौर ने हमें बताया है कि हम देख रहे हैं लेडीज़ कुछ आ रही हैं यहाँ पर, ये विलेजर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये लोग यहाँ पर आकर कुकिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व किया जाता है, ये बहुत अच्छा है। तो ये वो कुआँ है, इसे आप एज अ स्टोरेज टैंक कह सकते हैं फाइनली, जिसमें यहाँ पर आकर पानी स्टोर हो जाता है, और उसके बाद ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ ड्रिंकिंग वाटर। टोटल यहाँ पर 30 रूम्स और 6 टेंट्स हैं,
जिनके बारे में अभी एक रूम हमने अपना आपको दिखाया है, कैम्स हमने दिखा दिए, और अभी एक कैटेगरी आप और दिखाने वाले हैं जो विंटेज रूम है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं पार्किंग में भी बहुत आपको ह्यूज प्लेस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। स्पेशली इस तरह का पैलेस मिल जाए तो क्या मज़े की बात है। और देखिए सामने बहुत सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी हमें दिख गया है। हमने अभी इतने सारे स्वान देखे और अब हम आ गए हैं स्वान से मिलकर स्वान रेस्टोरेंट में। बहुत सुंदर है, देखिए सेटअप बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और सामने ही हमें दिखते हैं महाराजा तखत सिंह। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बना देती हैं। यहाँ पर सामने ही छोटा सा मंदिर मुझे दिख रहा है और आरती की आवाज़ मुझे आ रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, मैं वहाँ तक जाऊँगी ज़रूर। और देखिए सामने हमें मंदिर की हाइट से हमें यहाँ पूरा क्लियर, दूर से हमें लेक लग रही है, लेकिन ये तखत सागर इसका नाम है जो राजा के नाम पर ही रखा गया है, और ये बहुत बड़ा होगा अगर आप पास से देखेंगे तो। आई थिंक बहुत बड़ा मैम। हाँ, तो ये यहाँ से हमें छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। वहाँ जा सकते हैं? वहाँ जा सकते हैं, बट ये रास्ता नहीं है, बाय रोड हम जा सकते हैं। और ये लेक जब ओवरफ्लो हो जाती है जी, तो इसका पानी आप देख सकते हैं यहाँ से वो सीधा जाता हुआ उस लेक में जाता है। तो बेसिकली देखने से जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिस तरीके से होता है, ये उसी तरह से पूरी लेक्स बनाई गई हैं जो ओवरफ्लो हो जाने पर सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का ही मंदिर है, माता जी का मंदिर है जी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी के अंडर ही आता है और हम ही इसकी देखभाल करते हैं पूरी। सुबह पूजा करनी, शाम को पूजा करनी, अभी जैसे इवनिंग हुई तो यहाँ पे आरती चलती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो आरती सुनकर ही मैं यहाँ तक आई हूँ जी। अभी आरती, अभी हम वीडियो बना रहे तो चला नहीं सकते, वो कॉपीराइट की वजह से सर बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट हो सकता है। और ये है गणेश जी का मंदिर है जी। तो ये भी बहुत ही पुराना मंदिर है, यहाँ से जब गणेश चतुर्थी होती तो सिटी से लगभग आधी सिटी यहाँ पे आती है और पूजा अर्चना करती है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आप 7 फेरियाँ देते हैं, हमारे यहाँ पे फेरियाँ बोलते हैं, जैसे 7 बार आप यहाँ आते हैं। अच्छा। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी भी शादी हो जाती है। अरे वाह, ये इसके लिए प्रसिद्ध है गणेश जी। मॉर्निंग में हम भीम बड़क महादेव ट्रैकिंग करवाते हैं इसी रास्ते से। अच्छा। अगर कोई है इच्छुक तो हम इस रास्ते से ले जाते हैं, अदरवाइज वहाँ से डायरेक्ट रास्ता भी जाता है, बाय रोड भी जाता है वहाँ तक। अगर हमें जाना होगा तो हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, यही तो मेन ट्रैकिंग का मतलब यही है कि आपको ट्रैक करना है तो ऐसे ही रास्तों से जाना चाहिए। चलिए माता के दर्शन करते हैं। वाओ, देखिए रात में जैसे ही लाइट्स ऑन हुई है ये नज़ारा और खूबसूरत बन गया है, और स्पेशली ये डकीज इस नज़ारे को और सुंदर बना रही हैं। जब कहते हैं ना, जिस जगह हम जाते हैं हमें लगता है कि यही खूबसूरत है, हमने उत्तराखंड और हिमाचल में इतनी खूबसूरत जगह देखी है, लेकिन राजस्थान की अपने आप में एक अलग बात है। वाओ, क्या म्यूज़िक है, और म्यूज़िक के साथ ये जो पूरा सवा बंधा हुआ है, अल्टीमेट। हम आपको इनके एक और कैटेगरी दिखाने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो अभी 2 कैटेगरीज और बचती हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हम दिखा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके एक ही रूम अवेलेबल हो पाया, चलिए वो दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं अब इनका विंटेज रूम कैटेगरी। ओह वाओ, यहाँ से लेक व्यू तो है ही, साथ में देखिए आपको मंदिर में के भी दर्शन हो रहे हैं यहीं से। इनका जो बेस कैटेगरी रूम है वो है हेरिटेज रूम। रूम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें बताया है इन्होंने, लेकिन जो टैरिफ है वो क्योंकि सीज़न और ऑफ सीज़न में बिल्कुल अलग हो जाता है। अभी इनका सीज़न टाइम है, ऑफ सीज़न अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और उस बीच में आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। सीज़न में अगर आप आएंगे तो ये टैरिफ आपको 5,000 से लेकर 15,000 तक, जो हायर कैटेगरी है वहाँ वो आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही बेस्ट डील के लिए आप अगर आप इन्हें OT एक्सपर्ट का रेफरेंस देंगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे तो यही रेट आपको हो सकता है 30% तक डिस्काउंट मिल जाए। चलिए, शाम की तैयारियां हो गई हैं, हम आ गए हैं टेरेस पर, और देखिए यहाँ पर खाने की तैयारियां चल रही हैं।
ये शॉप देख सकते हैं आप, पूरी शॉप है यहाँ पर मोजड़ी की, क्योंकि यहाँ पर ये सिटी से थोड़ा सा दूर है ये जगह, और इसीलिए बहुत सारे लोग जा नहीं पाते हैं शॉपिंग के लिए। यहाँ से आप सुवेनियर्स लेकर जा सकते हैं, हम भी खरीद लेते हैं। देखिए हमें तो लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ सेल किया जा रहा है, लेकिन ये खुद बनाते हैं इनको। बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं? अभी बनेगा इसको, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट से 16 मिनट लग जाएगा। ऑलमोस्ट धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे बनाइए, हम इसको जल्दी जल्दी आपको दिखा देंगे। पूरे घर की शॉपिंग हो गई है। मैं जहाँ ये जूतियाँ देखती हूँ मेरा मन कर जाता है लेने के लिए, और देखो अपने लिए मैंने फिर से एक और सेलेक्ट कर लिया है, हालांकि मेरे पास दो तीन हैं अभी, लेकिन फिर भी। और इनके लिए शूज़ भी लिए हैं, और घर में बच्चों के लिए, और चप्पलें भी लिए हैं। ये प्योर लेदर के हैं, और अगर साइज़ आपका छोटा बड़ा कुछ है तो ये अलग से, क्योंकि बनाते ही हैं तो आपको इमिडिएटली मिल जाएंगे। और ये भी बहुत अच्छी हैं, हमने ये भी लिए हैं। अगर नज़र हम इधर घुमाएंगे तो ये है शाम की असली शान। अभी बस यहाँ पर गाना बजाना शुरू होने वाला है, और देखिए बहुत प्यारा डांस। देखिए ब्यूटीफुल सेटअप है यहाँ पर ओपन टेरेस पर, और ओपन टेरेस पर अगर आपको डिनर करें वो भी गाने बजाने के साथ, डांस के साथ, तो बहुत मज़ा आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर एक तरफ जैसे कि चूल्हे का खाना बन रहा है, दूसरी तरफ पूरा बुफे तैयार हो गया है, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाती है खाने की, तो जिसको जैसा पसंद है वो खा सकता है। यहाँ पर हमें कुछ स्नैक्स दिख रहे हैं, तो आप अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं यहाँ ओपन टेरेस पर विद लेक व्यू। और जैसा कि आपने देखा कि सारा यहाँ पर वेज खाना आप देख रहे हैं, अगर किसी को नॉन वेज खाना होता है तो उनको ये टेबल पे सर्व कर देता है, आपको बुफे में नहीं मिलता है। तो देखिए हमारा ट्रेडिशनल फूड रेडी हो गया है, राजस्थानी थाली खाने वाले हैं आज हम, लेकिन मुझे इसमें आइटम जो है वो पहले कन्फर्म करने पड़ेंगे कौन कौन से आइटम है, तो मिस्टर राठौर हमें बताएंगे। जी बताइए। जी मैम, ये है बाजरे का सोगरा। सोगरा ओके। ये है मक्के की रोटी, ठीक है। ये है पापड़, ठीक है। ये है चूरमा, दाल बाटी चूरमा का कॉम्बिनेशन होता है। ये है बाटी, ये है चूरमा, और ये है दाल, जो दाल बाटी चूरमा हो गया। ये है राजस्थानी गट्टे की सब्जी, गट्टा मैंने खाई हुई है पहले। ये है केर सांगरी, जो ये सांगरिया होती है, ये राजस्थान का एक स्टेट ट्री है, खेजड़ी उस पे लगती है। अच्छा, तो वो ये समर्स में लगती है। इनका जो लगने का टाइम है वो मतलब 15 दिन के लिए लगती है, तो लोग उस टाइम कलेक्ट करके इनको छतों पे सुखा देते हैं, फिर ये जब ड्राई हो जाती है तब इसकी सब्जी बनाते हैं। बहुत टेस्टी होती है, मैंने खाई हुई है। बहुत टेस्टी भी होती है, और इसमें बहुत प्रोटीन भी होता है। जी जी जी। और ये क्या है? ये है बड़ियों की सब्जी। बड़िया जो बनती है मूंग से बनते हैं, मूंग बड़ी। हाँ जी, हाँ जी। और ये कड़ी, ये है कड़ी। अच्छा, और ये है लहसुन की चटनी। अच्छा, और ये है मिर्ची का कूटा। ये मैंडेटरी है इसके साथ खाना। तो ये कंप्लीट फूड जो इसकी कॉस्ट है वो है 800 रुपीस प्लस टैक्स, बट इसमें ये वर्थ इट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे आइटम्स हमें मिल रहे हैं। थैंक यू। खाना इतना डिलीशियस था, हमें लग रहा था कि हम सारा खा लेंगे, लेकिन सच में इट्स अ सुपर फूड आप कह सकते हो। बहुत डिलीशियस था, लेकिन ऑफकोर्स हैवी थोड़ा होता ही है, क्योंकि सब कुछ देसी घी में बना हुआ है, और स्पेशली मेरा जो फेवरेट था वो चूरमा। मैंने चूरमा फिनिश किया है, और बाटी भी बहुत सॉफ्ट थी, और बहुत मतलब बाहर से क्रिस्प था और अंदर से बिल्कुल अच्छे से सिकी हुई थी, बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं थी उसके अंदर, और पूरी देसी घी में डूबी हुई, तो देखो टेस्ट तो अपने आप बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखो, खाने के साथ इतना अच्छा व्यू आपको मिलता है, और सेकेंडली जिस तरह से खाना बनाया जा रहा है, पूरी प्रिपरेशन हमने आपको दिखाई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बड़े ही प्यार से बनाया जा रहा है, इसीलिए खाने में ज़्यादा स्वाद है। चलिए हमने तो खा लिया है, बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं यहाँ पर, और वो भी डिनर कर रहे हैं। हम चलते हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अभी दिखानी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
बहुत अच्छा रहा कल हमारा स्टे और बहुत मज़ा आया हमको रात का जो पूरा प्रोग्राम था वो देखकर। अभी देखो शोर मचाना शुरू कर दिया इन्होंने क्योंकि इनको फीड कराने का टाइम हो गया है। सुबह सुबह अभी जैसे ही सनराइज़ होगा यहाँ से तो एकदम से झील पे आपको पूरी रिफ्लेक्शन दिखती है, बहुत सुंदर लगता है, जैसे शाम को सनडाउन के टाइम लगता था। अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि आज हम आपको बहुत सारे विज़िट करने के लिए जो प्लेसेस है, अगर आप जोधपुर आते हैं तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं नियर बाय, वो आपको दिखाएंगे। और साथ ही एक घंटे की ड्राइव है यहाँ से, जहाँ पर आपको डेजर्ट सफारी करने को मिलती है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपको देंगे। लेकिन वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें दे चुके हैं। यहाँ पर अभी नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं आपको दिखाने जोधपुर। तो चलिए हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसे यहीं पर फिनिश करते हैं। लेकिन दूसरा वीडियो जब तक आए तब तक आप इसे लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि देखिए ये है जोधपुर के रंग। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।